ओके, सो वेलकम बैक टू अनदर बीजीपी वीडियो बाय नेटवर्क नगेट्स, है ना। तो लास्ट वीडियो में हमने बीजीपी की कुछ और बातें की थी कि कब बीजीपी को यूज़ किया जाए, है ना, कब क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था बीजीपी को और ये सब बातें। और मैंने कहा था कि अभी सिर्फ हम जान पहचान बना रहे हैं और अभी कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, दिमाग पे अभी लोड नहीं लेना है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ जितना जानते जा रहे हो जानते चले जाओ, कुछ याद रखने की कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक फन एक्टिविटी की तरह लो कि हाँ यार बीजीपी भी है यहाँ पे कोई ना, और कुछ कर रही है, तो चलो देख लेते हैं कि क्या कुछ है जरूरी या फिर ऐसे ही हवा बना रखा और ये सब चीजें, तो मजे मजे में कर लेंगे, बीजेपी पता भी नहीं चलेगा। अच्छा जी, अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीजेपी को कब यूज करें यहाँ, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी लाइन लिखी है, तो पहले ये देखो कि आपका जो एड्रेस स्पेस है हु ओन दैट, वो किसके पास है ना, उसका जो एक्चुअल मालिक है ना, जो बॉस है वो कौन है। अगर आपकी आईपी एड्रेस के मालिक आप खुद हैं, ठीक, तो आपको बीजीपी की जरूरत पड़ती है, और अगर आप नहीं है तो आपको बीजीपी की जरूरत नहीं पड़ती। इसको थोड़ा सा और अच्छे शब्दों में समझते हैं। देखो कि अच्छा, सबसे पहले आईपी कहाँ से आती है आपके पास, जो रूट एजेंसी है वो कौन सी है, आईना, ठीक। आईना से आईएसपी फिर किसको मिलती है, जो रीजनल आपकी इंटरनेट रजिस्ट्रीज है, जो आरआईआर है। तो मेरी आरआईआर कौन सी है, एपनिक है, ठीक है। अब आपको आईपी कहाँ से मिल रही है, आईएसपी से या फिर आईना के किसी डायरेक्टली आरआईआर से, ठीक। तो अगर आपको आईपी मिलती है, मान लो ये आप नॉर्मल कस्टमर है यहाँ पे, और आपको आईपी मिल रही है किससे, आपकी आईएसपी से, तो हु ओन्स योर एड्रेस स्पेस, दैट इज योर प्रोवाइडर। तो दे हैव गिवन यू सम काइंड ऑफ आईपी एड्रेस, तो इंटरनेट रन करने के लिए उन्होंने आपको कोई आईपी दी है। अगर आप ब्राउजर में जाओ, व्हाट इज माई आईपी या माई आईपी लिखो, तो आपको अपनी पब्लिक आईपी दिखेगी यहाँ से, ठीक है। तो वो होगा कि आपको फिर यहाँ पे किसी बीजीपी वगैरह की जरूरत नहीं है। नॉर्मल ये यहाँ पे मैंने सिंपली बना दिया, स्विच होगा, बीच में एक राउटर या फायरवॉल भी है, और यहाँ पे और भी बहुत सारे स्विचेज होंगे, एंड यहाँ पे आपके होंगे फिर नॉर्मल यूजर। और इन नॉर्मल यूजर्स को अगर सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट से मतलब है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं डिफॉल्ट राउटिंग से जा रहा हूँ, मैं स्टैटिक राउटिंग से जा रहा हूँ, या इस आईएसपी से मैं इधर वाली आईएसपी पे फर्स्ट से जाके और फिर मैं सर्वर तक जा रहा हूँ, या फिर पहले इस आईएसपी के थ्रू जाके फिर इस आईएसपी के थ्रू जाके और फिर यहाँ से सर्वर के पास जा रहा हूँ। मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को डिले से, मेरे को अंदर की रिलायबिलिटी, स्पीड, लोड, किसी भी पैरामीटर से कोई मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ इंटरनेट चलाने से मतलब है। और ये सस्ते तरह का इंटरनेट आप सिंपल सा मान लो, तो यहाँ पे आपको बीजीपी की कोई जरूरत नहीं है। तो आपकी जो राउटिंग पॉलिसी है, आपके तक कैसे डेटा रूट होके जा रहा है या बाहर आ रहा है, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वहां पे आपको बीजीपी की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो एड्रेस है वो प्रोवाइडर इंडिपेंडेंट है, तो आईएसपी का लेना देना नहीं है, ठीक, और आपने खुद अपना एड्रेस स्पेस लिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप कंट्रोल करना चाहते हैं ट्रैफिक की किस इंटरफेस से एग्जिट करे, अगर आपको जाना है एक पर्टिकुलर डेटा सेंटर तक, और किस इंटरफेस से एग्जिट करे आपको जाना है इस पर्टिकुलर डेटा सेंटर। तो आप समझो थोड़ा सा यहाँ पे, मान लो आपकी कंपनी के ना एक ये डेटा सेंटर है आपका, मान लो बैंगलोर में DC 1, एक डेटा सेंटर है आपका चेन्नई में DC 2, और ऐसे एक दो और होंगे, या मान लो दो ही हैं। और यहाँ पे आपकी अलग अलग साइट्स हैं, ये एक साइट है चंडीगढ़ में, एक ये साइट है आपकी दिल्ली में, एक ये साइट है आपकी आई डोंट नो इंदौर में, और जहाँ पे भी होगी। अब यहाँ आपको क्या करना है, ये दो चीजें समझा रहा हूँ मैं। एक तो जब आपको स्केल करना होगा अपने एंटरप्राइज नेटवर्क को, मतलब क्या हुआ, इधर आपने कोई OSPF चला रखा होगा, इधर कोई आपने OSPF या OSPF जरूर जो भी है उसे एक पर्टिकुलर साइट के लिए, इन सबको जब आपको जोड़ना है, एंटरप्राइज नेटवर्क को जब भी आप एक बड़े स्केल पे लाने की बात करते हो, तो आपको BGP यूज करनी पड़ती है। एक ही बात हुई। दूसरा, जब आपको कंट्रोल चाहिए कि भाई मैं एक इस तरह की एप्लीकेशन यूज कर रहा हूं कि जिसमें मेरे को बहुत कम डिले और ऐसा कुछ भी जो पैरामीटर आप डिसाइड करें, डिले का ही मान लेते हैं फिलहाल हम, तो मैं इस पाथ से जाऊं, ठीक, कि मेरा ये डिले सेंसिटिव एप्लीकेशन है, तो ये जो डेटा सेंटर है ये मेरे को रिप्लाई करे उस तरह की एप्लीकेशन के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जो आपकी नॉर्मल ट्रैफिक है, मान लो इंटरनेट की ट्रैफिक हो, या फिर जो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, जिसको आप लोड नहीं देना चाहते अपने मेन डेटा सेंटर को, तो आप कहेंगे कि ठीक है यार, मैं उसको इधर से भी भेजूंगा और ये भी डेटा सेंटर मेरे को रिप्लाई दे देगा, तो मेरे को कोई चक्कर नहीं है, ठीक। जब आपको इस तरह से ट्रैफिक पे कंट्रोल चाहिए है, देन यू यूज बीजीपी।
तो आई होप एक बेसिक आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी तरह से जब हम आगे बात करेंगे वीपीएन, उसमें एक डीएमवीपीएन आता है जिसमें आप बहुत सारी साइट्स को, एक मेन आपका मान लो ये हेडक्वार्टर है एक जगह पे मुंबई में, मान लो ये चंडीगढ़ वाले को मुंबई से जुड़ना है, आपके दिल्ली वाले को जुड़ना है, चंडीगढ़ या इंदौर को जुड़ना है, तब वहां पे एक यहाँ एक वीपीएन कनेक्शन, यहाँ एक वीपीएन कनेक्शन, यहाँ पे एक वीपीएन, ये होता है हब जो सेंटर में है, और ये है स्पोक्स जो आपके अलग अलग साइट्स है। तो इनके बीच में ना एक डीएम वीपीएन आता है, डायनामिक मल्टी पॉइंट वीपीएन, वो हम बात करेंगे बाद में। यहाँ पे भी आप एक बीजीपी की एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। ठीक, तो जब भी आपको ट्रैफिक कंट्रोल, देखो मैं फिर बोलता हूँ, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, जब भी ट्रैफिक कंट्रोल की बात आएगी, आपको डिसाइड करना है ट्रैफिक कैसे बाहर जाए आपके नेटवर्क से, कैसे अंदर आए, तब आपको बीजीपी यूज। और आपका मतलब सिर्फ इंटरनेट यूज करने से है, आपका मतलब सिर्फ ये है कि भाई मैं किसी प्रोवाइडर से कनेक्टिविटी लूं, वो मेरी दो अलग अलग साइट्स को जोड़ दे और मेरी हेडेक ना रहे, तब आपको बीजीपी की कोई जरूरत नहीं है। एक और बात ये होगी। अच्छा, और क्या बोल सकते हो आप कि मान लो आपके राउटर नॉर्मल है, आपके राउटर इतने स्ट्रांग नहीं है, और रैम सीपीयू वगैरह है ना, आपके इंजीनियर्स इतने पढ़े लिखे नहीं है, आप ये बोल लो, या फिर उनको बीजीपी की समझ नहीं है, उनको नहीं पता बीजीपी कॉन्फिगर, या नॉर्मल कॉन्फिगर करना ही सब कुछ नहीं होता बीजीपी में, हम आगे एडवांस में देखेंगे, बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स हैं आपको जो पता रहनी चाहिए। तो आपको लगता है कि आपके इंजीनियर्स उतने कैपेबल नहीं है, और आपको भी इतनी सरदर्दी नहीं लेनी है उनकी ट्रेनिंग्स पे और नए बंदों की हायरिंग पे पैसा नहीं लगाना है, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो ये सारी चीजें, देन यस आपको जरूरत रही है बीजीपी की। तो ये कुछ केस सिनेरियोज हैं जो मैंने अभी डिस्कस किया आप कि कब आपको बीजीपी की जरूरत है या नहीं है। ठीक, तो यहाँ अगर आप चले आगे स्लाइड पे, अच्छा एक और चीज मैंने मिस कर दी शायद, है ना, जब आप एक सेंट्रल एएस है, जब आप ट्रांजिट एएस है, मान लो ये एक कंपनी है वन और ये कंपनी है टू, और आप हैं यहाँ पे, ठीक, ये आपकी कंपनी है और आपको जाना जाना है यहाँ इस डेटा सेंटर में, तो एक और डेटा सेंटर इधर है। अब आपको ये रास्ता भी है, यहाँ से कनेक्टेड है आप, और यहाँ आप इससे भी कनेक्टेड है। ठीक, इसी तरह से जो ये आपका कंपनी वन है, ये अपने डेटा सेंटर तक जाने के लिए आपका नेटवर्क यूज कर रहे हैं, ये लोग भी आपका नेटवर्क यूज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपको जरूरी है कि आप क्या यूज करें इस इंटरकनेक्टिविटी के लिए, आपके एएस से इस एएस तक और इस एएस से इस एएस तक आप बीजीपी यूज करें। तो जब भी आपके थ्रू कोई और कस्टमर या और प्रोवाइडर अपने रूट्स भेजना चाहता है यहाँ से यहाँ तक, वो कनेक्टिविटी चाहता है और वो आपके रिसोर्सेज यूज कर रहा है, तो आप फिर उसको एक्सटर्नल प्रोटोकॉल का आपको यूज करना पड़ेगा बीजीपी का, तभी आप अपने अंदर के नेटवर्क को सेपरेट रख पाएंगे अपने इस बाहर के नेटवर्क से। आप चाहेंगे कि अपने जो आपके सारे के सारे राउटर है ना, उनको थोड़े आप अपने सारे पब्लिक के रूट देना चाहोगे, नहीं, सेलेक्टेड जो राउटर्स है जहाँ पे बीजीपी आप रन कर रहे हो। ठीक, तो इसकी करेंगे हम बहुत डेप्थ में बात। फिलहाल एक और ये क्राइटेरिया भी है कि जब आप एक ट्रांजिट एएस की तरह, ट्रांजिट होता है कि आपके थ्रू किसी का डेटा पास कर रहा हो, कोई रूट आपके थ्रू लर्न कर रहा हो और वो आपके राउटर के थ्रू कनेक्टिविटी लेके जा रहे हो। ठीक, अच्छा जी, चलो, तो एएस मतलब क्या हुआ, मल्टी होम्ड हो गया आपका, मल्टी होम सिंगल होम, आगे बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा आपको डायग्राम्स के साथ, तो अभी हम उस पर नहीं इतना टाइम स्पेंड कर देने, तो दो बार हो जाएंगी चीजें, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखी भी हुई है बातें, अगर ऐसा लगे कि कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, तो ये नोट्स इसीलिए है ना, नोट्स आर स्ट्रेंथ ऑफ दिस चैनल। व्हेन टू यूज बीजीपी, तो लार्ज स्केल की जो भी आपकी प्रोवाइडर्स हैं टीयर वन टीयर टू, दे डू यूज बीजीपी फॉर लाइक एवरीथिंग, है ना, कुछ भी उनको करना है, कोई भी इंटरकनेक्शन है अलग आपके प्रोवाइडर्स के साथ, अपलिंक पियरिंग, तो वो करेंगे हम बात आके, दो और बड़ी इंटरेस्टिंग सी टर्मिनोलॉजीज हैं, पियरिंग एंड अपलिंक, तो उसके थ्रू ये सारे के सारे प्रोवाइडर्स, सर्विस प्रोवाइडर हो या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हो, तो ये सब लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, दे यूज बीजीपी। स्केल करना है आपको कोई भी किसी भी तरह का नेटवर्क हो, तो यस यू यूज बीजीपी। तो एक्सटर्नल जब भी आपको वैन में कनेक्टिविटी करवानी हो, तो देन यू प्रेटी मच यूज बीजीपी फॉर एवरीथिंग। ठीक है, इवन जब आप डेटा सेंटर वगैरह में बीजीपी यूज करते हो कनेक्शंस के लिए, तो एमपीएलएस ओवर बीजीपी और ये सब एमपी बीजीपी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे आगे, हम धीरे धीरे मूव अप करेंगे अप टू एडवांस पार्ट्स,
then it will start making sense to you guys and you will get more and more into the networking thing, है ना, कि जिसे बोलते हैं ना भूख बढ़ती जाती है, जब चीजें और ज्यादा समझ आती जाए, इंटरेस्ट बनता जाए कि यार आने दो और आने दो, है ना। तो देन वी विल इंट्रोड्यूस एवरीथिंग एल्स। तो अभी पहले बीजीपी, बीजीपी एक ऐसी प्रोटोकॉल है, अगर आप देखोगे ये, अगर आपको समझ आ गई ना, तो ये मान लो कि लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुल जाएंगे आपके लिए। एमपीएलएस एक टेक्नोलॉजी है, बाकी क्या बोलते हैं कि और वैन में इतना सब कुछ है। और अगर आप बात करोगे बीजीपी कर लिया आपने, तो बीजीपी के बाद और जब ऑटोमेशन वगैरह में जाओगे, आप देखोगे कि फिर तुम्हें बड़े ही रिफाइन सी चीजें मिलेंगी जानने को, कि हाँ यार असल नेटवर्किंग तो अब शुरू हुई है ना। तो मैं अभी थोड़ा सस्पेंस नहीं ब्रेक करूंगा, इसको बने रहने देते हैं, ताकि इस रस्सी को खींच खींच के हम चढ़ते जाए, है ना। तो ये लेट बीजीपी बी दैट लैडर फॉर अस विच विल मेक आर एक्साइटमेंट गोइंग ऑन, है ना। तो उसको बरकरार रखते हैं, ठीक है। तो कब यूज ना करें ये भी मैंने तुम्हें बता दिया है, जब सिर्फ एक इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए आपको, डिफॉल्ट या स्टैटिक राउटिंग से काम चल रहा है, जैसे हमने नेट में डिस्कस किया था अगर आपको याद हो, सीसीएनए के लिए, तो उस टाइम पे आपको कोई बीजीपी वगैरह थोड़ी चलानी थी, आपने बस क्या कर दिया, डिफॉल्ट रूट डाल दिया एसपी तक जाने का, बाकी आपके सारे इंटरनेट की ट्रैफिक कौन हैंडल करेगा, आईएसपी हैंडल करेगी, ठीक। तो उधर जो आपको सारा डेटा किस तरह से ट्रैवल कराना है, इस आईएसपी से आगे किस आईएसपी पे भेजना है, वो सारा आईएसपी की सरदर्दी, आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक। आप अगर एक नॉर्मल सा राउटर भी रखोगे, ठीक, बिल्कुल सिंपल सा होम ब्रांच राउटर या होम वाईफाई राउटर, तब भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन बीजीपी अगर चलानी है तो भूल जाओ यार कि आप वो नॉर्मल राउटर आप यूज कर सकते हो, नो, ठीक। तो वहां पे आपको एज राउटर, प्रोवाइडर राउटर, ये सब यूज करने पड़ते हैं ना, ठीक है जी। कब यूज ना करें तो ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। सिंगल होम का फिलहाल एक मतलब समझो कि जब आप एक आईएसपी से एक लाइन पे कनेक्शन ले रहे हो, एक इंटरनेट का लिंक आपने लिया है, और आपको कोई कंट्रोल नहीं चाहिए ट्रैफिक पे कि इंटरनेट चल रहा है नहीं चल रहा है, अगर नहीं भी चल रहा है तो आप फिर उसका दूसरा जुगाड़ करो, और लेकिन फिर आप यू डोंट हैव दैट मच कंट्रोल ओवर द इंटरनेट ट्रैफिक, ठीक। तो एचएसआरपी एफएचआरपी के अगर कॉन्सेप्ट आपको याद हो, तो वहां पे मैंने थोड़ा सा बताया था सिंगल होम्ड मल्टी होम। सिंगल होम मतलब आपने सिर्फ एक आईएसपी से एक ही लिंक लिया हुआ है, ड्यूअल होम्ड होता है आपने एक आईएसपी से दो लिंक कम से कम लिए हुए हैं, सेम राउटर हो सकता है या फिर अलग अलग राउटर भी हो सकते हैं, और मल्टी होम्ड आपने मल्टीपल आईएसपी से मल्टीपल कनेक्शंस लिए हुए। तो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से एक वीडियो आएगी आगे, उसमें एक्सप्लेन करूंगा मैं विद डायग्राम्स। तो ये सब बातें लिखी हुई है, और यस दैट्स इट। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना काफी है, अगली वीडियो से हम बात करेंगे बीजीपी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, एंड यस तब हम थोड़ा सा और फिर कुछ इंट्रोडक्शन, फिर कुछ और पैरामीटर की बातें करके, एंड देन विल गेट मोर इन टू, एंड आई थिंक कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद एक दो ही वीडियो होगी, और उसके बाद हम विल गेट इन टू द कॉन्फिग्रेशन पार्ट, है ना। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बना ख्याल रखिए, और यस हंसते रहिए हंसाते रहिए, बाय बाय।